हाँ एखन कहि रहल छथि सन्नी जी बहुत नीक जे हम कहलियनि हिनका जे एकटा मॉडल जतेक छै अपन सबके स्पोर्ट्स या ई जे छै हाई स्पीड या वायरलेस क्या कहते हैं अनमैन्ड व्हीकल सबके ई सब बनतै बादमे, लेकिन तत्काल जे दूटा नया बनेलखिन ई पैडलिंग वाला एहि सब टाइपके कहलियै एकटा मॉडल हमरा सबके चाही, तऽ इएह एखन जानकारी दऽ रहल छै हिनकेसँ सुनू जे उत्तराखण्डमे सरकार शुरू कयने छै जे रिवरके दए देलकै या घाट जेना दै छै ने ऑप्शनमे ऑप्शन टाइप का वो दे दिया किसी स्पोर्ट्स को और वो लोग यहाँ से ले गया और वहाँ जो प्राइवेट एजेंसी है ऐसे ही करता ही है। जो तनाव रहता है हाँ वो विलेज के अंदर हो सिटी के अंदर हो हाँ वो तनाव गवर्नमेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट का अंडर रहता है जी। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है वो उन लोगों ने गवर्नमेंट वो लीज में आजकल स्टेट गवर्नमेंट देना शुरू किया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है जैसा मेनी गवर्नमेंट ऑप्शन करता है मछली उसमें हाँ वो उसमें फिश फार्मिंग के लिए भी जो प्रोग्राम दिया है लाइक और बोटिंग एक्टिविटीज के लिए भी देता है, तो उसमें ईयरली सम लीज एग्रीमेंट करके उनको चलाने के लिए बोट क्लब चलाने के लिए उनको रेंट पर दिया जाए तो उससे टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाए। हाँ हो जाए वो जो बहुत काम का होगा चीज़। हाँ क्या कि सभी लड़के लड़कियाँ जो देहात के हैं हाँ। सब जगह मौका नहीं मिलता उसमें। नहीं मिलता तो उसमें उसमें जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होने से वो विलेज भी अपने आप डेवलप हो जाए। हाँ, बहुत और उसके अलावा जो किधर किधर जो डैम रहता है उधर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने से विलेज में स्पोर्ट्स का एक प्रमोशन हो जाएगा। रोविंग कायाकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चों का लग में। अभी हमको मालूम है बिहार के अंदर बिहार से जो अभी झारखंड हो गया जी, जी। वो झारखंड के अंदर जो नेशनल गेम्स हुआ था हाँ। वो उसका कौन सा रिवर डैम है मुझे बताइए हम तो उधर उन लोग ने एकदम हमारा बोट उधर नेशनल गेम्स के लिए हमने सप्लाई किया था हाँ। लेकिन वो इतना इक्विपमेंट किया था बाद में वो उन लोग ने गवर्नमेंट ने आगे उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यूज नहीं किया हाँ। वो पूरा खराब होके गया वो खराब हो गया और इसी अभी क्लब अपना बोट क्लब अगर बना दिया हाँ, तो दे विल डू इट एज ए बिकॉज़ आजकल स्पोर्ट्स कोटा में बहुत लोगों का नौकरी मिल रहा है हाँ। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर इधर महाराष्ट्र में मैंने 7 साल कायक कनोइंग का सेक्रेटरी था स्टेट सेक्रेटरी था हाँ। और हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग करके हमने बोर्ड जो दिया हमने हर डिस्ट्रिक्ट को देखे आज महाराष्ट्र के अंदर 1200 स्टूडेंट्स कायाकिंग एंड कनोइंग कर रहा है। कायाकिंग क्या होता है? कायाकिंग एंड कनोइंग इज अ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट है बोट है हाँ। वो कहाँ है? वो हमारा दूसरा प्लांट में है हाँ। दूसरा फैक्ट्री में है तो वो उसमें से इधर गवर्नमेंट ने 5% आरक्षण है हाँ। गवर्नमेंट पुलिस में वगैरह भर्ती है हाँ। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 5% स्पोर्ट्स कोटा है हाँ। उससे बहुत सारा बच्चे लोग स्पोर्ट्स कम्पीट कर गए नौकरी मिल गई हाँ। तो ये भी एक अच्छा ये दोनों टर्म क्या है उसमें क्या करता है वो बोट से बच्चा जो कयाक जो है कयाक में ऐसा बायां दायां हाँ वैसा दोनों तरह से पैडल रहता है इससे ऐसा चप्पू चला के आगे लेके जाते हैं। ये कायाकिंग और कनो और रोविंग ये ऑल आइटम्स आर ओलंपिक्स अच्छा आइटम ओलंपिक प्रोडक्ट हाँ तो वो वहाँ ग्राउंड लेवल पर हाँ ओलंपिक लेवल तक जा सकता है हाँ ग्राउंड से अगर शुरू करें टोक्यो में जो हो गया उसमें आप देख सकता है हाँ। ये ऑल इंटरनेशनल इवेंट है उसमें नेशनल गेम्स रहता है एशियन गेम्स रहता है एशियन चैम्पियनशिप रहता है और ओलंपिक्स भी रहता है तो इसमें सब बच्चे लोगों को तो अगर दिया तो बच्चे लोगों का बढ़ाओ। अभी जो है ना हम आपको एक जानकारी दे दें शायद आपको भी जानकारी मिलेगी चूँकि इस बिजनेस में बहुत हाई है। गडकरी साहब एक साल पहले ही हम लोग का जो जिस नदी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कोसी का वो है नेपाल से लेके गंगा में आके मिलती है कुर्सेला के पास, तो वो जो अभी जो हैरनेस कर रहे हैं सब पोटेंशियल पावर रिवर को जो ऑलरेडी साहबगंज में हम लोगों का इलाहाबाद से साहबगंज ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया 1.5-2 साल से पोर्ट बन गया साहबगंज का बन गया। अब क्या है जो कि ये जो कर रहे हैं जो कोसी से जो हमारा वो नदी है मेजर बहुत ही है उसी से वो ट्रांसपोर्ट नेपाल से लेकर के करेंगे तो बोले अगर जैसे 1 रुपया पड़ता है अगर इसका ट्रेन यदि बस का
तो 60% बोले शायद बस का, ये 80% पड़ता है ट्रांसपोर्ट रोड से शायद, और 20 पैसा बोले जो कि ये इसका होता है वाटर ट्रांसपोर्ट से। वाटर ट्रांसपोर्ट, हाँ वाटर ट्रांसपोर्ट में बहुत कन्वीनियंट है और सेफ्टी है और ट्रैफिक वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है ना। ना तो नहीं, कोसी जो है ना आपको बोले ना, करीब हमको लगता ये है कोसी रिवर में नेपाल के लिए, हमने वहाँ का जो मिनिमम वाटर है उधर करंट ज़्यादा है, हाँ कोसी रिवर के लिए हमने यहाँ से बोट सप्लाई किया है। कहाँ? कोसी में। कोसी रिवर में हमने 3 साल पहले यहाँ से किस टाइप का जेट प्रोपल्शन सिस्टम का 33 सीटर कपैसिटी का बोट सप्लाई किया है। किसको किया? बिहार गवर्नमेंट को? बिहार गवर्नमेंट को नहीं, प्राइवेट पार्टी को दिया। दिए हैं? बिहार को नहीं दिया, नेपाल में। नेपाल का जो उधर प्राइवेट जो पार्टी है जी जी, जो हाँ ट्रांसपोर्टिंग जो कर रहा है, हाँ हाँ उसी के लिए। उसमें क्या है, मिनिमम पानी है और ज़्यादा जी जी करंट है, हाँ उसी के लिए वो टाइप का हमने जेट प्रोपल्शन सिस्टम का बोर्ड दिया है। वो ऐसा बोर्ड कितना बनाया है आपको? वैसा हाँ ऐसा बोर्ड आपने कितना बनाया है? वो उनके लिए एक बोर्ड उनको सप्लाई किया, कस्टमाइज था, बट दैट अ वेरी एक्सपेंसिव बोर्ड। कितने का? 1.5 करोड़। अच्छा, तो उसके लिए वो ये वेट ट्रांसफर जो है, लोड ट्रांसफर के लिए कितना कैपेसिटी भी कर सकते हैं उसके अंदर? हमको करीबन 5 टन मटीरियल साथ में लेके जाओ। अच्छा, तो अभी जो बोल रहे थे ये जो ट्रायल ले रहा है सागर कोचिन में, अभी भी है फैमिली के साथ वहीं, तो ये जो बोल रहे थे मुखर्जी साहब, ही तो टॉप जो है मुखर्जी, सब कुछ जानते हैं, लेटेस्ट चीज़ है डिफेंस का, इसका सब एक्सपर्टीज है। तो वही जो बोले जी कि उसमें उस सिस्टम जो ऑटो लगा देगा ना, हाँ सक्सेस, तो उसमें भी लग सकता है? बोला किसी भी बोट में लग सकता है, किसी भी बोट में लग सकता है। ये तो बहुत ट्रांसपोर्टेड भी चीज़ हो गया सर जी, बहुत मैंने अनमैंड अगर ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है ये रिवर में, बहुत बहुत ही अच्छे तरह से हो जाएगा। उसके अंदर विदाउट एनी मैन पावर ये सब बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ नहीं, उसमें रिस्क भी रहता है ना मैन पावर। अच्छा, दूसरी बात फिर किधर से जाएंगे, क्या जाएंगे, नेविगेशन में दिक्कत होती है। और ये बोल दिया जी कि खाली वो लोकेशन जैसे ड्रोन जाता है उसको डाल दो और वहाँ पहुँचा दो, रूट मैप के हिसाब से जाएंगे जी। एक चीज़ और दिखाए ये मुखर्जी साहब उस दिन परसों, ये जैसे सेल करता है ना आपका मोटर बोट वाला, ये इस टाइप का जिसमें मोटर लगा रहता है वो है ना, उस टाइप का, उसमें देखे जो कि अभी जाता है लेकिन कुंभी उंभी हो जाता है, कुंभी जैसा बीच में, उसको भी उसको काट करके सेल करके उसका ट्रायल चल रहा है कोचिंग में। हमारे यहाँ कुंभी जो है तो तालाब सब में इस सब में बहुत प्रॉब्लम करता है, है ना, तालाब में बहुत प्रॉब्लम करता है कुंभी, जल जाता है जिसको देने वीट्स हाँ कुंभी आइजिन बोलते हैं, आइजिन वो जो नहीं होता है उसके फिर सेल करना बहुत, उसी के ऊपर जाने वाला बोट हमने अनमान में और मैन मेड में हमने बनाया। दिस अ एयर प्रोपेलर सिस्टम, एयर प्रोपेलर सिस्टम जो थोड़ा सा उठ जाएगा, हाँ वो हम मैन्युफैक्चरिंग करके अभी हम डिफेंस को दे रहे हैं। अभी मुखर्जी साहब का जो ग्रुप है उसके अंदर हम दे रहे हैं, उसके अंदर स्वाम बोर्ड बोलते हैं, उसके उसमें मड ग्रास आइस, वो कितना बना है ऊपर चलेंगे, कितना बना है? आर्मी को दिया हुआ है सप्लाई, 6 बोट आर्मी को सप्लाई किया उलार लेक कश्मीर में, वही, और 2 बोट हमने जम्मू श्रीनगर पुलिस को सप्लाई किया। अच्छा, इसका मतलब ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, दैट इज वर्किंग, एवरीथिंग इज ओवर। उसका कॉस्ट क्या होगा सर? उसका कॉस्ट इज लगभग 45 लाख। इंक्लूसिव ऑफ ऑल, और आपका जो बीट्स है उसके ऊपर से सब प्लानिंग होके जाएगा। मैं आपको अभी व्हाट्सएप में वीडियो दे देगा, पूरा वीडियो क्लिप में आपको हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ का। चलिए सर, तब तो आप हमारा क्या कहें, देखिए आई एम ऑल्सो फ्लाइंग माई सेल्फ ऑफ द अप बिकॉज ऑफ द इंडियन इंडिजिनस और इंडिया नंबर वन है ना। इट वॉज डोंट जो कि नहीं साहब बाहरी से आता है, यहाँ पर मेरिट नहीं है, पीपुल आर, हम ही आपको एक जानकारी दे दें, आश्चर्य लगेगा। तो भाई हम भी बहुत इंक्लूसिटिव हैं हर एक चीज़ मेरा। एक दुबे जी हैं यहाँ MIT के, उसके ट्रस्टी हमारे झाजी के झा बिहारे के, बम्बई में बैठते हैं, गवर्नर के साथ 10 दिन पहले गए थे बदले, वही बोले जी जाइए वहाँ सब कुछ बता देगा। वो जब हम गए ना, मेरा लड़का भी था, वैसे बात हुआ, बड़ा अच्छे आदमी हैं वो दुबे जी, वो देवरिया के। तो बोले अरे आप कैसे आ गए, इनको कैसे ले आए? तो हम मजाक में बोले, अच्छा था, तो हम बोले क्या चाहते हैं जी, बेटा के पास बाप नहीं आवे? अरे आपका बेटा के पास नहीं जाते, मजाक किए।
बोले नहीं 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 ये क्या है जो कि यहाँ तो कोई आता नहीं है, इतना स्टार्टअप होने के बाद यहाँ के लोग इतने हैं, जाके देखना चाहिए क्या हो रहा है, वो देखने के लिए आते हैं और इतना दूर से खोज कर करके यहाँ पर आ गए आप देखने के लिए कि क्या ये स्टार्टअप है और कैसे होता है और क्या होना चाहिए या ठीक है। तो मोदी जी बोल रहे हैं बाबा हाँ बार बार बोल रहे हैं जो कि जाओ करो, बहुत सुविधा दिए हैं, SER को कहते हैं, उसको कहते हैं जी उसको अवेयर करो वाला, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाए भैंस नहीं पकड़ा। इसीलिए देयर फॉर वी हैव रिटेन प्राइम मिनिस्टर जो सर देयर इज यू हैव प्रिपेयर ए वेरी गुड कप ऑफ टी है ना, ये हेल्दी कप ऑफ टी ब्रिंगिंग फ्रॉम ऑल फ्लेवर्स एंड हेल्दी हेल्दी थिंग फ्रॉम आउटसाइड है ना, बट देयर इज ए गैप बिटवीन द विलेजेस एंड द प्रोवाइडर्स ऑफिसर, देयर इज ए गैप बिटवीन एंड देयर इज ए मोर डेंजरस वायरस दैन दिस कोरोना वायरस हाँ विच इज हिडन, देयर फॉर वन वैक्सीन वी हैव डेवलप्ड ऐसे लिखे एंड एज ए फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स एंड सोशल डेवलपमेंट सो दैट देयर शुड नॉट बी ए गैप एंड दैट शुड फ्लो टू द विलेजेस। क्या सब बोला जी अरे असल सही है आपकी बात को यहाँ आते हैं, अगर इस सब का अधिकारी बात जानते हैं, एक आदमी है भोपाल यहाँ भुवनेश्वर में बिना खून लिए हुए 5 टेस्ट का बनाया है 6 महीना पहले है ना, वो प्रतिम पार्था है और वो किया है क्या हेमोग्लोबिन क्रिएटिन बिलूरूबिन और ये शुगर एंड ऑक्सीजन, ये 5 चीज़ 2 मिनट में बता देता है। तो हम उसको सबसे पहले 35 ले आए 35,000 में खरीद और खूब खोजे IM को बोले उसको बोले और खुद मिल गया उसको हम तुरंत मंगा लिए है ना, उसका प्रचार भी किए बहुत गवर्नमेंट को लिखे लेकिन गवर्नमेंट नहीं दी क्योंकि उसको जा कर के चढ़ावा दो है ना, तब ये स्थिति है। देयरफॉर वी हैव टू कम लाइक जय जवान जय किसान, वी मस्ट नॉट डेयर टू बी डेयर है ना, अब बहुत परिवर्तन भी हो गया हम लोग के चूँकि देखिए दो बात हम साफ करना चाहते हैं जो दो पावर अभी हो गए जैसे सोनिया और मनमोहन का था ना, वैसे ही मोदी जी बाप बाप कर रहे हैं जो कि लागू हो, स्कीम निकालते हैं फंड देते हैं बोलते हैं लेकिन इनके बात को जो पहले सुनता था लोग रेस्पॉन्ड करता था पार्टी के MP MLA कार्यकर्ता वो एक भी नहीं करता है ना, अभी किसका करता है जो कि अमित शाह जो कहता है झंडा दो अरे यार भैया बर्थडे सनी का मंगा रहे हो या छोटे गांव वाले का मंगा रहे हो फोटो दे करके या मंत्री सबकी सब दे रहा है उसी में बताओ ना जो कि सनी क्या किया उस चीज़ को देते हुए आई थैंक सनी जो कि अरे भैया जो इंडिया में नहीं बन रहा था यू हैव डन ए सो मच थिंग और उसका प्रचार कर दो, देखो जो कि तुम्हारे साथ कितना मोदी जी जो कहते हैं कितना जल्दी प्रचार होगा है कि नहीं बताइए नहीं है दिस इज द थिंग, इसीलिए आपको करेंगे पॉलिटिक्स नहीं है, इसीलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद सनी जी और मुखर्जी साहब और पाठक जी और निपुण बड़ा सर सागर डिफेंस जो हम लोग जिस अभियान में चले हैं पूरे भारत अभियान में जो लोग आ रहे हैं NRI से पहले बम्बई वगैरह बारह बंगलुरु वगैरह में जितने भी आइडेंटिफाइड बेस्ट चीज़ जो हम लोग के यहाँ बन रहा है जो मिथिला के डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी के लिए जरूरी है उसके लिए जो हम लोग आ रहे हैं अभी जी से आई प्रत्येक दिन फिर एकता ई बेस्ट इंडिया के बेस्ट ड्रोन वाला सागर जी बेस्ट साइंटिस्ट नंबर रोबोटिक के पाठक जी और हेड जगह दिमाग में और खुद आदमी छे सबका प्रमोट कर मुखा जी ई सब जो दुबे जी स्टार्टअप MIT हम सबको धन्यवाद दै मेहर एग्रोटेक के जो बहुत कॉपरेशन जाकर सारा चीज जानकारी देने ना दे आर इन चूज टू अथी कम टू द मिथिला एंड डू दैट जॉब डेडिकेटली टू रिवाइव द इकॉनमी विद द NRIs एंड इंग्लैंड आवर थिंग देयरफॉर ऑल NRIs शरद भाजी लंदन मेयर काउंसिलर डॉक्टर प्रकाश झा USA राजेश मिश्रा जर्मनी विभूति झा इंडियन एक्सप्रेस बम्बई राजेश झा ये SCO अडानी और ये जितने जते गोटा छी अपना सबके सबका हम संदेश एखन से दे रहा छी पुनः एक फोर्थ आइटम के जो सनी जी छे ता एते गोटा के एक बनि गेल पूरा में नो वी हैव गॉट टू डू एट द ग्राउंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार इंडिया दैट वी सेंड गोट अहेड विद फंड थैंक यू या ओके सब स्टेट